हेलो बच्चों, कैसे हैं? पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, कल हमने पढ़ा था क्लास ट्वेल्थ में केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हमने आपको बताया था रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम बता रहे थे। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका होता है, हमने आपको थोड़ा बता दिया था वहाँ पर, और कुछ चीज़ें इसमें भी रह गई थी। तो आप देखिए, हमने आपको ये चीज़ें यहाँ बताया था। हमने आपको बताया था कि ये टी समय पर सांद्रण आपका क्या होता है, रिएक्टेंट आर है, ये प्रोडक्ट क्या आपका पी, कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या हो रहा पी में, क्या हो रहा चेंज हो रहा है। ये प्रोडक्ट है पी और ये रिएक्टेंट है आर, यानी कि अभिकारक आर है और ये उत्पाद आपका पी है। टी समय पर इसका सांद्रण क्या है, आर है, और ये बना रहा है क्या पी प्रोडक्ट। तो टी समय पर सांद्रण इसका आर एक्टिव मास, देखिए सांद्रण को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रदर्शित किया जाता है, और ये भी आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रदर्शित कर देंगे। तो टी प्लस डी टी समय पर सांद्रण क्या हो जाएगा, जैसे हमने आपको बताया था, जैसे समय वृद्धि होगा, समय बढ़ता जाएगा, वैसे अभिकारक प्रोडक्ट में चेंज हो रहा, तो अभिकारक का सांद्रण घटता जाएगा, प्रोडक्ट का सांद्रण क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो टी समय पर ये हो गया, टी समय पर इसका हो गया। टी प्लस डी टी सूक्ष्म समय पर क्या हुआ, थोड़ा सा अभिकारक में क्या होगी, कमी होगी। तो आर में से इस आर में से इस आर में से क्या हो गया, थोड़ा सा सूक्ष्म क्या हो गई, ये कमी हो गई। और पी में इतना क्या हो गया आपका, इतना वृद्धि हो गई, सूक्ष्म जो है प्रोडक्ट में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो हमने आपको बताया था अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन और बटे क्या आपका होगा, समय अंतराल होगा। तो अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन इतने में से इसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इतने में से इसको आप क्या कर देंगे, हाँ माइनस कर देंगे। और समय अंतराल क्या है, इतने में से इसको आप समय अंतराल कर लेंगे यहाँ पर, तो ये समय अंतराल जो है आपका हो गया। तो यहाँ पर ये और ये क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या ROR रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या हो गया, माइनस डी एक्टिव मास आर बाई डी टी, यानी कि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह आया। तो ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि समय वृद्धि के साथ अभिकारक आर के सांद्रता, यानी कि आर के सांद्रता घटती, यानी कि इसके सांद्रण में क्या होती है, कमी होती है। ये चीज हमने आपको यहाँ तक बता दिया था। अब इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट में जो है आपको देखना है, तो उत्पाद के लिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अब उत्पाद इतने में से आप इसको घटाएं, तो उत्पाद उत्पादों के सांद्रण में परिवर्तन बटे क्या आपका होगा, समय अंतराल होगा। तो उत्पाद में से आप इसको माइनस करिए, इस वाले में से इसको माइनस करिए, तो यहाँ पर ये देखिए, इसको आप यहाँ कर दीजिए माइनस, तो इतने में से इसको माइनस करना है, तो माइनस आपका क्या हो गया यहाँ पर, ये पी प्रोडक्ट। अब देखिए, बटे समयांतराल वही होगा जो यहाँ है, यही समयांतराल यहाँ हुआ, टी प्लस डी टी, ये आपका माइनस माइनस कैंसिल, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट आपका कैंसिल हो गया, तो आ गया ये प्लस, यहाँ आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, ये प्लस आ गया। तो यहाँ प्लस डी पी एक्टिव मास बाई डी टी। अब ये धनात्मक आया, तो धनात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि समय वृद्धि के साथ उत्पाद, यानी कि पी उत्पाद जो पी है, के सांद्रण में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल हम यहाँ पर देखें, तो जितना अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है, उतना ही क्या होता है, उत्पाद के सांद्रण में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि कमी वृद्धि के क्या होती है, बराबर होती है, जो कमी होती है, कमी क्या होती है, वृद्धि के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में अभी आ गया होगा। ठीक है, इसका बढ़िया से आप क्या करें, नोट्स बना लेंगे। अब देखिए, ये जो अभिक्रिया की जो दर होती है, ये दो प्रकार की होती है, एक औसत दर होती है और एक जो आपका सापेक्षिक दर होती है। तो हम पहले आप इसमें हम पढ़ते हैं औसत दर, पढ़ते हैं औसत दर, हम देखते हैं इसकी, तो ये आप नोट्स बढ़िया से बना लेंगे इसको। ठीक, कमी वृद्धि के क्या होती है, बराबर होती है। तो समय बीतने के साथ अभिकारक के सांद्रण में क्या होती है, कमी होती है। इसलिए आगे की तरफ हम क्या करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करेंगे, और उत्पाद में वृद्धि होती है, इसलिए उत्पाद के सामने हम क्या लगाएंगे, प्लस चिन्ह लगाकर करेंगे। हाँ, अगर ऋणात्मक वाले को प्लस करना है, तो यहाँ माइनस से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये केवल चिन्ह जो है यहाँ पर है, चिन्ह जो है यही कमी को प्रदर्शित करता है, और ये प्लस चिन्ह क्या होता है, जो है वृद्धि को प्रदर्शित करता है। तो अब हम देखते हैं
अभिक्रिया की जो दर होती है वो दो तरीके की होती है, एक औसत दर होती है और एक क्या होती है आपकी जो है एक ताक्षणिक दर होती है। अब इनको हम देखते हैं। तो ये भी मैंने अभिक्रिया के वेग के बारे में आपको बताया है और किताबों में डायरेक्ट औसत दर और ताक्षणिक दर के बारे में ही बताता है। तो यहाँ से मैंने पहले आपको बताया है अभिक्रिया की जो है दर के बारे में बताया है। अब देखिए हम आगे चलिए देखते हैं। अभिक्रिया की औसत दर, अभिक्रिया की औसत दर तो एवरेज रेट ऑफ ए रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ ए रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ ए रिएक्शन। एवरेज रेट का मतलब जो अभिकारक और सांद्रण में परिवर्तन होता है एक निश्चित समय में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन होता है तो अगर उसके समय अंतराल से उसको हम भाग कर दें तो वही क्या कहलाएगी, उसकी औसत दर कहलाती है। तो किसी निश्चित समय अंतराल में डिफिनेशन क्या होगा, किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में प्रति इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को उस अभिक्रिया की औसत दर कहा जाता है, या औसत दर कहते हैं या औसत दर कहा जाता है, ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं इस परिभाषा को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में निश्चित निश्चित समय अंतराल में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण के परिवर्तन को समय से भाग करने पर औसत दर प्राप्त होती है, ठीक है, औसत दर प्राप्त होती है। तो ये औसत दर जो होता है, औसत दर को हम जो दिखाया अभिक्रिया की औसत दर मान लेते हैं, एक रिएक्शन है आपका, ये आपका रिएक्टेंट है और ये क्या है
प्रोडक्ट है। तो यहां देख रहे हैं टी समय टी वन समय पर सांद्रण इसका आर वन है और इसका क्या है सांद्रण टी वन है। टी टू समय पर सांद्रण इसका क्या है आर टू हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा ये टी टू हो जाएगा। अच्छा अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा आर, इसको लिख सकते हैं आर टू एक्टिव मास माइनस आर वन एक्टिव मास, इसको लिख सकते हैं ये। इसी तरीके से प्रोडक्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा वी इक्वल टू यहां इसके परिवर्तन को कैसे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट यानी कि एक्टिव मास पी टू माइनस एक्टिव मास ये पी वन। अच्छा समय डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं टी टू माइनस टी वन लिख सकते हैं ये, इसको इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं है ना। अब यहां पर हम लिखें अब क्रिया की औसत दर तो क्या होगा, पहले अभिकारक के लिए अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है ना, उसके लिए लिखते हैं अभिकारक के सांद्रण में कमी। तो औसत दर बराबर क्या हो जाएगा यहां पर औसत दर को हम क्या है जो अल्प समय अंतराल होता है सांद्रण का उसको हम डेल्टा के रूप में दिखाते हैं, किस रूप में दिखाते हैं डेल्टा के रूप में दिखाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पर क्या डेल्टा आर एक्टिव मास बाई डेल्टा टी, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि ये क्या है औसत दर अभिकारक का है तो आगे की तरफ हम क्या लगाएंगे यहां ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं यहां आर जो आपका एक्टिव मास टू है और आर एक्टिव मास क्या है वन, और इसी को हम लिख सकते हैं टी टू माइनस के लिख सकते हैं टी वन है ना, ये लिख सकते हैं अभिकारक के लिए है ना। तो अभिकारक के सांद्रण में कमी के रूप में इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं, और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है तो उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि के रूप में कमी के रूप में ठीक है, यहां उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि के रूप में, तो वृद्धि के रूप में औसत दर क्या हो जाएगी औसत दर बराबर क्या हो जाएगी हम तो डेल्टा आपका क्या होगा टी एक्टिव मास बाय डेल्टा क्या होगा टी, चूंकि ये प्लस होगा वृद्धि होती है तो प्लस होगा यहाँ, या इसी को लिख सकते हैं पी एक्टिव मास टू माइनस पी एक्टिव मास क्या होगा वन बाई टी टू माइनस क्या होगा टी वन ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ठीक है। तो अभिक्रिया की दर जो औसत दर होगी आपका प्रोडक्ट वाला जो होगा प्लस होगा और जो रिएक्टेंट वाला होगा आपका क्या होगा माइनस होगा, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह ही यहाँ भी प्रदर्शित करेगा समय वृद्धि के साथ क्या होता है अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है, और यहाँ पर क्या होता है समय वृद्धि के साथ उत्पाद के सांद्रण में क्या होती है वृद्धि होती है। तो ये अभिक्रिया की औसत दर है। तो औसत दर ऐसा भी लिखते हैं औसत दर बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं यानी कि डेल्टा आर एक्टिव मास बाई डेल्टा टी ये माइनस इक्वल टू डेल्टा पी एक्टिव मास बाई डेल्टा टी ये आपका प्लस ठीक है, क्योंकि जितनी औसत दर में क्या होगी यहाँ कमी होगी अभिकारक के सांद्रण में उतनी ही क्या होगी उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी ठीक है, नोट कर लेंगे ओके। तो ये है अब ये तो कुछ जैसे ये तो मान के सब किया गया, आप कोई मतलब रियलिटी में केमिकल रिएक्शन दिया हो तब उसके लिए क्या होगा
तो आपके केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिनके एक स्टाइचियोमेटिक नियतांक समान होते हैं और एक के क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो उसके केस में हम देखते हैं, हो गया है। तो किसी निश्चित समयांतराल में प्रति इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के संदर्भ में परिवर्तन को अभिक्रिया की औसत दर कहते हैं, ठीक है। ये आप परिभाषा लिख देंगे और औसत दर आपको डेल्टा लगाकर वहां आप दिखाएंगे, एवरेज रेट को डेल्टा लगाकर आप दिखाएंगे, ठीक है। तो अभिक्रियाएं, अब एग्जाम्पल लेते हैं, अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। जैसे पहला एग्जाम्पल हम ले CO Cl2, जैसे CO प्लस क्या है Cl2, ये वाला आपका रिएक्शन है, गैसियस स्टेट है और ये बन जाता है CO Cl2, ये गैस। अभी देखिए इस वाले रिएक्शन में स्टाइचियोमेट्रिक नियतांक समान है, ए भी एक है, ए भी एक है और ये क्या है, ए भी एक है, यानी कि स्टाइचियोमेट्रिक नियतांक समान है। कुछ ऐसी अभिक्रिया जिनके स्टाइचियोमेट्रिक नियतांक समान होते हैं, यानी कि दोनों ओर चाहे अभिकारक हो चाहे रिएक्टेंट हो, उसके मोलों की नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मोलों की संख्या क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो जिनमें मोलों की संख्या समान होती है तो ये है ऐसे रिएक्शन यहाँ पर। तो अगर इसका आप औसत दर लिखेंगे, इसका अगर आप औसत दर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये आपका क्या होगा यहाँ पर, ये आपका तो डेल्टा सी ओ एक्टिव मास बाई डेल्टा टी, लेकिन ये अभिकारक है तो इसका आप माइनस लिखेंगे, इक्वल टू ये क्या होगा यहाँ पर डेल्टा सी एल टू एक्टिव मास बाई डेल्टा टी, इस तरीके से लिखेंगे। ये भी अभिकारक है तो इसको आप माइनस लगाएंगे। अभी आपका प्रोडक्ट है तो इसमें कमी होगी और इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, तो इसी को हम बराबर में लिखेंगे। ये क्या होगा आपका यहाँ डेल्टा सी ओ और ए सी एल टू एक्टिव मास भाई क्या होगा डेल्टा टी, ठीक है। इस डेल्टा को आप बाहर भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, ये जो डेल्टा है आपका अगर इसको आप यहाँ बाहर भी लगाना चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बाहर भी अगर लगाना चाहे, कुछ किताबों में ऐसे ही देता है कि डेल्टा को बाहर लगा दिया जाता है, तो आप इसको बाहर लगा सकते हैं या अंदर आप लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें वृद्धि होती है प्रोडक्ट में, इसलिए इसका लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लेंगे। और दूसरा एग्जांपल अगर ले हम, पहला एग्जांपल, दूसरा मान लीजिए क्या है आपका PCl5 है और ये टूट रहा है PCl3 प्लस जो है Cl2, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और ये क्लोरीन, तो ये जो है इसमें टूट रहा है, तो इसका औसत दर क्या लिखेंगे, औसत दर क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो डेल्टा आपका क्या है PCl5 बाई क्या होगा डेल्टा टी, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो माइनस लगाएंगे यहाँ, और यहाँ पर क्या होगा ये डेल्टा PCl3 बाई डेल्टा टी, क्योंकि ये उत्पाद है प्लस लगाएंगे, इक्वल टू क्या होगा प्लस डेल्टा ये Cl2 बाई क्या होगा डेल्टा टी, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो इनके स्टाइचियोमेट्रिक क्या है, गुणांक क्या है, समान है, इस तरीके से इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तीसरा एग्जांपल जिसको इसका, कुछ ऐसे रासायनिक समीकरण होते हैं जिनके स्टाइचियोमेट्रिक नियतांक क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं, तब कैसे उसको हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये समीकरण लिखा जाए N2 गैस प्लस जो है 3H2 गैस गिव्स आउट बन रहा आपका 2NH3 गैस। अब देखिए इनके स्टाइचियोमेट्रिक नियतांक क्या है, समान नहीं है, ये एक है तो ये तीन है, ये दो है, ठीक है। तो अब इसका कैसे आप लिखेंगे औसत दर, तो औसत दर इनका जब आप लिखेंगे, इसका तो एक ही है, इसका तीन है, इसका क्या है दो है यहाँ, तब इसको आप लिखेंगे यहाँ डेल्टा एन टू बाई डेल्टा डी टी, ये आपका माइनस यहाँ लगेगा। अच्छा इसको एक से डिवाइड करेंगे वन बाई वन, ठीक है, तो कुछ नहीं गए, उसी तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ कितना
जो स्टोइकोमेट्रिक नियतांक है इसके, यानी कि जो इसके गुणांक है उसी से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जो इसके अंक है, पूर्णांक अंक है, इसी को हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आगे देखिए यहाँ क्या होगा, माइनस इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, तीन से, वन बाई थ्री। ये होगा आपका डेल्टा और ये होगा आपका एच टू बाई क्या होगा यहाँ पर डेल्टा डी टी स्क्वल टू यहाँ क्या होगा आपका। अब ये आपके रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को आप माइनस से दिखाएंगे, प्रोडक्ट को आपको प्लस से, प्लस एक है तो इसको एक बटा दो से आप डिवाइड करेंगे, तो ये आपका होगा डेल्टा एल एच थ्री बाई डेल्टा डी टी। इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है, कोई भी रिएक्शन दिखा हो इस तरीके से इसका औसत 10 लिखेंगे। ऋणात्मक चिन्ह में कमी को प्रदर्शित करेगा और प्लस चिन्ह क्या होगा यहाँ उत्पाद है उसमें वृद्धि को प्रदर्शित करता है। तो ये औसत दर रहा, ये क्या रहा औसत दर। तो इस समीकरण के लिए आप लिखिए, एक समीकरण में दे रहा हूँ इसके लिए आप खुद लिखेंगे। जैसे इस समीकरण ये टू एन टू ओ फाइव गिव्स आउट, इसके लिए आप खुद लिखेंगे, लिखकर बताएंगे। और यहाँ आपका फोर एल ओ टू और प्लस आपका क्या है ओ टू, ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो इस समीकरण के लिए औसत समीकरण आप जो है लिखेंगे, औसत दर, औसत दर के लिए आप बताएंगे इस समीकरण के लिए। नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर। तो अभिक्रिया की जो तात्क्षणिक दर है कुछ नहीं करना, उसमें क्या करना है, जहां आपका डेल्टा ये संकेत बना हुआ है त्रिभुज का आकार का डेल्टा संकेत बना हुआ है वहीं पर आप डी लगा देंगे, स्मॉल डी डी लगा देंगे तो तात्क्षणिक दर के केस में हो जाएगा, ठीक है। तो अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर की तात्क्षणिक दर इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहां पर परिभाषा क्या, किसी निश्चित क्षण पर डिफिनेशन, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर को, ठीक है, इसे निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर को उस अभिक्रिया के उस अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर कहते हैं, दर या वेग कहते हैं, वेलोसिटी, ठीक है, लिख सकते हैं। यह है इसकी क्या है डेफिनेशन हो गई। अब किसी भी मतलब कोई समीकरण दिया तो उसका तात्क्षणिक दर आपको कैसे लिखेंगे, तात्क्षणिक दर के रूप में मान लिया आपका ए है प्लस बी है गिव्स आउट सी प्लस डी आपका बन रहा है, इधर आपके रिएक्टेंट हैं, इधर आपके क्या है प्रोडक्ट है, तो तात्क्षणिक दर कैसे आप लिखेंगे, तात्क्षणिक दर कैसे आप लिखेंगे, तो ये आपका तात्क्षणिक दर में आप लिखेंगे या माइनस, यहाँ ये रिएक्टेंट है तो यहाँ आप डी लगा दें, डी ए एक्टिव मास बाई डी, यहाँ टी लगा देंगे, जहाँ डेल्टा डेल्टा लगाते थे आप वहाँ क्या लगा देंगे, आप जो है डी भी लगा देंगे, यहाँ फिर ये माइनस आपका क्या होगा डी बी एक्टिव मास बाई क्या होगा डी टी,
इसका टू प्रोडक्ट के लिए क्या क्या जाएगा, डी सी एक्टिव मास बाई क्या हो जाएगा डी टी, ये आपका प्लस, फिर आपका इसका टू प्लस ये क्या आपका हुआ डी डी एक्टिव मास बाई डी टी आपका प्लस। ठीक, ये अगर समीकरण आपका दिया हो तो इस तरीके से तार्किक दर लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आपका समीकरण मान लीजिए कि दिया हो इस तरीके से 2a प्लस 3b गिव्स आउट आपका दिया हो 2c प्लस जो है 4d, तो इस तरीके से आप दिया हो तब कैसे लिखेंगे, तार्किक दर तार्किक दर कैसे लिखेंगे, उसी उसके स्टोइकोमेट्रिक नियतांक जो है इसके अंक जो है इसी से डिवाइड करके तो माइनस क्या होगा एक बटा दो, तो डी ए एक्टिव मास बाई क्या होगा डी टी इंटू माइनस क्या होगा एक बटा क्या हो जाएगा तीन, आप डिवाइड करेंगे तो एक हो जाएगा डी बी एक्टिव मास बाई क्या होगा डी टी इसका टू, हाँ ये प्रोडक्ट के लिए दो है तो वन बाई क्या होगा टू, और ये जाएगा डी एक्टिव मास सी बाई क्या होगा डी टी इसका टू क्या होगा चार है एक बटा क्या होगा यहाँ फोर होगा प्लस होगा लेकिन, तो यहाँ क्या होगा डी एक्टिव मास क्या होगा ये आपका डी बाई क्या होगा डी टी इस तरीके से, है ना। एग्जाम्पल जैसे लिया जाए, जैसे वही अमोनिया के लिए एन टू प्लस थ्री एच टू रिएक्शन के रूप में देखे हम टू एन एच थ्री, अब इसका अगर लिखें तात्क्षणिक दर तात्क्षणिक दर लिखें इसका तो क्या होगा एक ही है, ये आपका तीन है ये आपका दो है, यहाँ पर ये आपका दो है ये तीन है और ये एक है, तो इसका क्या होगा माइनस क्या होगा एक से एक में आप डिवाइड करेंगे एक के लिए एक होगा चाहे डिवाइड करें या फिर ना करें, तो यहाँ पर क्या होगा डी एन टू एक्टिव मास बाई डी टी इसका टू क्या होगा माइनस एक बटा तीन, यहाँ होगा आपका एक बटा तीन क्या होगा डी एच टू एक्टिव मास बाई क्या होगा डी टी होगा इसका टू क्या होगा प्लस एक बटा दो क्या होगा डी एन एच थ्री एक्टिव मास बाई क्या होगा यहाँ डी टी, तो इस तरीके से तात्क्षणिक दर को लिखा जाएगा। तो दोनों में अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, औसत दर और तात्क्षणिक दर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस वहां उसका क्या यूज करते थे डेल्टा का आप सिंबल यूज करते थे, यहाँ डेल्टा का आप वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है बस यही आपका अंतर है इतना, नहीं तो उसी तरीके से हम, और ध्यान है जिसके जितने भी स्टोइकोमेट्रिक उसके गुणांक होंगे एक है दो है तीन है क्या है उससे आपको डिवाइड करना होगा, अगर सिंपल सा है उसमें कोई स्टोइकोमेट्रिक गुणांक उसके नहीं है मोलों की संख्या नहीं है तब आप डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है क्योंकि एक ही है तो एक से एक वन बाई वन करेंगे तो ही बात होगी, तो यहाँ जिसमें होंगे आप उसको डिवाइड करेंगे उससे, ठीक है नोट कर लीजिए। तो ये आपका होगा अभिक्रिया की क्या हुई औसत दर हुई, औसत दर और तात्क्षणिक दर आपका ये हो गया। तो ऐसे आपको क्या किया जाएगा, एक समीकरण दे रहे हैं इसको आप लिख लीजिएगा जैसे है, इस समीकरण को आप खुद लिखिएगा और एल एस थ्री प्लस फाइव ओ टू गिव्स आउट और एन ओ और प्लस आपका होगा सिक्स एच टू ओ, ये आप समीकरण इसको आप जो है कर लीजिएगा, गैस है सब, इसको तात्क्षणिक दर औसत दर दोनों के रूप में आप चाहे इसको लिखिएगा, ठीक है। चलिए हम कुछ ग्राफ देख ले रहते हैं, हम कुछ ग्राफ के बारे में, जैसे अगर हम क्या करें यहां पर, अगर इधर आपका क्या है टाइम, इस साइड में टाइम आपका है, इस साइड में आपका क्या है सांद्रण, कंसंट्रेशन इधर है इस समय इधर, तो सांद्रण और टाइम के बीच में अगर ग्राफ खींचे तो हमने आपको बताया जैसे जैसे समय आपका बीतता जाता है वैसे वैसे क्या होता है सांद्रण जो है घटता जाता है, ठीक है।
ये साधारण किसके लिए है, रिएक्टेंट का मान लीजिए कंसंट्रेशन है, किसका है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है। तो क्या होगा इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से क्या होगा, इसका ग्राफ ऐसे ही क्या होगा, ये घटता जाएगा। तो इसका जो ग्राफ आपको मिलेगा इस तरीके से मिलेगा इसका ग्राफ। इसका मतलब ये हुआ कि सांद्रण, इधर आपका सांद्रण बढ़ता है और इधर टाइम क्या हो आपका बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे सांद्रण क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर इस टाइम पर आप देखें यहाँ पर, तो इतना समय, इस समय पर सांद्रण क्या है यहाँ पर इतना, तो जैसे समय आपका यहाँ पर देखा गया तो समय यहाँ आपका देखिए ज्यादा है यहाँ पर समय, ठीक है। तो इस मान लिया कि ये टी वन समय, इस टी वन समय पर सांद्रण क्या है, एक्स वन है, तो सांद्रण टी वन पर क्या है आपका, कम है। अच्छा इस टाइम पर देखें, इस वाले समय पर देखें यहाँ पर, इस समय पर देखें यहाँ पर, इस समय पर आप देखेंगे तो सांद्रण क्या है, इस ग्राफ को अगर हम देखें तो इधर टाइम आपका बढ़ रहा है और इस साइड पर क्या है आपका, ये आपके x अक्ष है और y अक्ष। तो x अक्ष पर आप देख रहे हैं इधर टाइम बढ़ रहा है, y अक्ष पर आपका क्या बढ़ रहा है, अभिकारक का सांद्रण बढ़ रहा है, अभिकारक का सांद्रण। अगर देखें इस वाले t1 समय पर देखें तो इसका सांद्रण x1 है, यानी कि समय ज्यादा है और सांद्रण क्या है, कम है। अगर t2 समय पर हम देखें तो सांद्रण और आपका क्या है, बढ़ गया है, यानी कि समय आप देखिए यहाँ कम है और सांद्रण आपका क्या हो गया, बढ़ गया। और T3 समय पर अगर आप देखें तो यहाँ आपका सांद्रण और भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है जैसे जैसे समय बीतता जाता है, समय बीतने पर अभिकारक का सांद्रण क्या होता है, घटता जाता है, ठीक। ऐसे आप प्रोडक्ट के इसमें देखें यहाँ टाइम इधर बढ़ रहा है और इधर जो है आपका, इधर आपका क्या है, इधर एक्स अक्ष है और इधर वाई अक्ष पर, तो वाई एच पर आपका प्रोडक्ट का सांद्रण है, ये प्रोडक्ट का सांद्रण है, ये इधर टाइम बढ़ रहा है आपका। तो देखें अगर इस वाले T1 समय पर आप देखें तो इसके लिए ग्राफ जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट के लिए इस तरीके से बनेगा, ये वाला ग्राफ आपका है यहाँ। तो अगर इस टाइम पर आप यहाँ पर देखें, इस पॉइंट पर, इस टाइम पर अगर जाएगा T1 समय पर, इसका सांद्रण क्या है, उत्पाद का एक्स वन है, और टी टू समय पर देखें उत्पाद का सांद्रण क्या है, बढ़ गया, और टी थ्री पर देखें उत्पाद का सांद्रण और भी बढ़ गया, टी फोर समय पर देखें तो इसका सांद्रण और भी बढ़ गया। यानी कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे समय बढ़ने के साथ साथ उत्पाद का सांद्रण बढ़ता जाता है, और यहाँ पर क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता जाता है अभिकारक का सांद्रण घटता जाता है। अच्छा जैसे जैसे अभिकारक का सांद्रण घटता जाता है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका क्या होता है, घटता जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे अब इधर रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की वेग इधर है और इधर टाइम है, इधर आप ग्राफ देखें तो अगर इस वाले टाइम पर, इस पॉइंट पर आप इसका ग्राफ ऐसे मिलता है आपका, क्योंकि अभिकारक का सांद्रण घटता है तो इस तरीके से आपको मिलेगा। अगर इस टी वन पर देखें तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, आर वन है, तो ज्यादा समय है, रेट ऑफ रिएक्शन कम है समय, और यहाँ देखिए इस पॉइंट पर देखिए यहाँ पर आपका समय क्या है, कम है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ज्यादा है। यहाँ समय आपका और भी कम हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, और ज्यादा है। यानी कि अभिकारक का सांद्रण घटने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, घटता जाता है। तो सांद्रण देखिए कभी शून्य नहीं होता है, हाँ हम मान लेते हैं कि सांद्रण क्या हो गया है आपका पूरा जो है, सांद्रण जो है मान लेते हैं कि सांद्रण क्या हो गया, शून्य हो गया, लेकिन सांद्रण कभी शून्य होता नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे सांद्रण अभिकारक का घटता है वैसे वैसे अभिक्रिया की दर भी क्या होती है, रेट भी क्या होता है, घटता जाता है। तो इसके लिए उत्पाद और टाइम के, अभिकारक और समय के बीच में ग्राफ है, और ये क्या है आपका टाइम और जो है रेट ऑफ रिएक्शन के बीच ग्राफ है, और ये आपका उत्पाद का सांद्रण और टाइम के बीच में ग्राफ खींचा गया है। तो इस ग्राफ को बढ़िया से आप जो है बना लेंगे। तो ये आपका दूसरा वीडियो रहा केमिकल काइनेटिक्स का, तो ग्राफ बनाएं और इसको बढ़िया से समझ लें ग्राफ को। नेक्स्ट अगला वीडियो हम लेकर आपको मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।